Hi, Sharks. Hello. मिलिए मॉडर्न इंडियन ब्राइड से. Wow. Who is no more shy? अरे वाह. और ऐसे ही क्वर्की लोगों के लिए है हमारी ब्रांड द क्वर्की नारी. Hi, मैं हूँ मालविका, फाउंडर ऑफ द क्वर्की नारी. द क्वर्की नारी एक लाइफस्टाइल एंड अपैरल ब्रांड है जो स्पेशलाइज करता है पर्सनलाइज्ड एंड सस्टेनेबल फैशन में. मैंने इस ब्रांड की शुरुआत करी थी 3 साल पहले अपने एक छोटे से बेडरूम से. एंड नाउ इट्स अ फुल ब्लोन वेंचर. आज हम इंडिया की फर्स्ट हैंड पेंटेड डेनिम ब्रांड है. करेंटली मार्केट में ओनली ब्रांड है जो ब्राइडल स्नीकर्स कस्टमाइज करती है एंड किड्स कस्टमाइज क्लोथिंग कस्टमाइज करती है. हमने काफी सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट किया है एंड इनफैक्ट देसी गर्ल प्रियंका ने भी हमें शाउट आउट दिया है. एंड हम इस ब्रांड को अब ग्लोबली ले जाना चाहते हैं एंड अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करना चाहते हैं कस्टमाइज से स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स में, जिसके लिए हम आपकी हेल्प चाहते हैं. एंड फॉर दैट वी आर ऑफरिंग यू 5% इक्विटी ऑफ आर कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ 35 लाख. सो शार्क्स, हु वांट्स टू जॉइन दिस क्वर्की नारी क्लैन? वेरी एक्साइटेड. आपके जूते आपने बनाए? जी. वाओ, लव देम. क्वर्की नारी, वेलकम टू शार्क टैंक. हाय. हाय. तो मालविका, आपने कहा कि ये एक पैशन था जो फुल ब्लोन वेंचर बन गया. जी. तो कैसे बना ये फुल ब्लोन वेंचर? आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ बिजनेस फैमिली, सो आई वांटेड कि कभी ना कभी एक अपना वेंचर चाहिए. बट क्या वेंचर होगा, क्या मेरी कंपनी होगी, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि क्या मेरा बिजनेस होगा. तो ग्रेजुअली जब मैंने अपना MBA खत्म किया, देन आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ फैशन की फील्ड में करना है. फिर मैंने फैशन डिप्लोमा किया 1 साल का. उसके बाद जॉब देखा मैंने, बट मुझे कोई भी जॉब इंटरेस्टिंग नहीं लगा. फिर 1 साल का एक मेंटल ब्रेकडाउन के टाइम के बाद आई वॉज लाइक टोटली डिप्रेस्ड. सारे फ्रेंड्स का जॉब लग चुका है, सब सेटल्ड हैं लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ. दो आई ऑलवेज वॉन्टेड कि एक अपना वेंचर हो, बट मेरे पास जॉब भी नहीं है. फिर मैं और मेरी सिस्टर फुटवेयर के ड्रॉर को साफ कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया ओके ये फुटवेयर नहीं पहनने हैं. तो मैंने उनसे बोला कि यार इसका देखो कंडीशन इज फाइन, ऊपर से जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो कुछ इसमें कर देते हैं. तो वो बोली कि दीदी ठीक है तुम कर देना, मैं कॉलेज वगैरह में देख लूंगी, ट्राई कर लूंगी. तो वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक सिंपल जो हमारे पास बैलेरीना पड़ी थी उसको मैंने ट्विस्ट दिया, दोनों शू पे मैंने एक डिफरेंट डिजाइन बनाया. एंड वो जब कॉलेज पहन के गई तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया. इंटरेस्टिंग. तो उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया. दिस इज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप एंड लिटरली विद जीरो इन्वेस्टमेंट. वाओ. और आप रहती कहाँ है? मथुरा. तो आपने वेंचर मथुरा से बनाया है? वाओ. आप मथुरा में कहाँ से आपको ऐसी इंस्पिरेशन आई? बिकॉज आई एम श्योर लाइक काफी ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग होगी आपकी. हाँ, थोड़ा ट्रेडिशनल. आई बिलीव के आज सोसाइटी में जो वुमेन होती हैं वो थोड़ा सा लोग ऐसे कंसिडर करते हैं अगर लिबरल हैं या मॉडर्न हैं या कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, तो दे फील लाइक कि वो इंडियन वैल्यूज से रूटेड नहीं है या वो एक संस्कारी वाला फैक्टर नहीं है. तो जब मैं ब्रांड भी स्टार्ट कर रही थी, 2 दिन मुझे लगा पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग में, नाम सोचने में. आई वॉन्टेड कि नाम ऐसा डिपिक्ट करे जो ऐसी नारी को दिखाए कि वो एम्बिशियस भी है, लिबरल भी है अपने थॉट्स में, बट देन वो रूटेड भी अपनी वैल्यूज से. आपके जो शूज है ना मुझे बहुत अच्छे लगे. मैं आई हूँ तब से मैं आई कांट स्टॉप लुकिंग एट देम. इनफैक्ट आई गॉट वन स्नीकर्स फॉर यू एज वेल. ओह आई लव इट. वाओ, बोल्ड एंड फ्री. ओह माय गॉड, ये हमारा शुगर का कैंपेन है, द लेटेस्ट कैंपेन. ये आपने खुद पेंट किया है? जी. हमारे पास प्लेन शूज आते हैं व्हाइट, एंड उस पे जो डिजाइनिंग पार्ट है वो हम लोग करते हैं. This is beautiful. Thank you so much. Thank you. I'm glad कि आपको पसंद है. बहुत 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 पसंद है मुझे. I have something for you all as well. अरे वाह! आपने रिश्वत देने में इतनी देरी क्यों कर दी? ओ तेरी गजब! आंखें मिस कर दी आपने बनाने ना. That's why it's quirky. उसी का तो पैसा है भाई. काफी सही है यार. तो अभी आपका ये जो बिजनेस है ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बिजनेस है कि सर्विस है, प्रोडक्ट है, क्या है? कस्टमाइज हमेशा एक वर्टिकल रहने वाला है क्वर्की नारी का, बट हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पे भी मूव कर रहे हैं. जैसे कि कोई भी शूज है, लाइक दिस वाटरमेलन वाला, दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर. पाइनएप्पल वाला इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर. तो अभी ये हैंड पेंटेड था, बट अब मैं इसको डिजिटल करने वाली हूँ. मेरे सब सॉर्टेड है वेंडर्स, उनसे कैनवास प्रिंटिंग करवा के देन इन शूज को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करवाऊंगी, जिससे हमारा कॉस्ट डाउन आएगा
एंड देन ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर आप 5 करोड़ पर मंथ कर रही होंगी शूट्स का या फिर जो भी आपके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, तो आप वो कस्टमाइज बंद कर देंगे कि आपको फिर भी नहीं? कस्टमाइज तो हमेशा एक निश रहने वाला है। आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने? 26,000 प्लस। वेल डन, वेरी गुड। एंड दैट इज प्योरली ऑर्गेनिक। आज की डेट में बिजनेस कितना करते हैं? अभी जो हमारा लास्ट 5-6 मंथ्स का रेवेन्यू रहा है दैट इज 15 लाख। 2.5 लाख रुपए महीना कर रहे हैं आप? 3.5 से 3 लाख रुपए महीना? 3 लाख। एंड ये एक जूता पाइनएप्पल वाला कितने का बेचेंगी आप अपनी वेबसाइट? ये 1300 अभी बेस प्राइस है विदाउट जीएसटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्राइस। और इसमें बनेगा कितने में? 300 इज द बेस प्राइस एंड देन मैं अपने इंटर्न्स को पे करती हूँ ऑन इंसेंटिव बेसिस, दैट इज 200 to 300 डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन एंड टाइम। मेरे को कभी कभी ना बहुत प्रॉब्लम होती है जब लोग फोकस नहीं करते। अगर आप मेरे से पूछोगे ना, आपके शूज और आपके ये फुटवेयर क्वर्की है, आपकी ये फूल पत्ते अच्छे नहीं है, क्लोथिंग लाइन जो है ना पर्सनली मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तो आप खाली शूज में ही क्यों फोकस करके नहीं आपने एक ब्रांड बना लिया बड़ा? फोकस शूज पे भी अभी है, बट जैसे जैसे ग्रेजुअली ऐसा आया कि लोगों ने बोला कि हमें पोर्ट्रेट चाहिए, जैसे पोर्ट्रेट वाली जैकेट जो होती है वो लोगों में काफी डिमांड है, या फिर जैसे किड्स की जैकेट भी हम करते हैं तो जो उनकी मॉम होती है उनका आता है कि मेरे बच्चे को उसका नाम चाहिए जैकेट के पीछे, तो उसका रिस्पॉन्स हमारे पास अच्छा आता है। यही आपने गलती कर दी, आपको शूज पे स्टिक करना चाहिए था, एक प्रोडक्ट पे उसको स्केल करना चाहिए। अभी कुछ स्केल ही नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आपको बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा कि आपको अभी शूज पे फोकस करके जो कम से कम 25-30 लाख रुपए महीने का बिजनेस बनाना चाहिए, तब जाके कुछ और सोचे, तब भी नहीं सोचूंगा मैं तो मालविका देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये 4 लोग आपको ऑफर नहीं देने वाले हैं, तो मैं आपसे बात करती हूँ। ये क्या कमाल हो गया यार, ये कौन सा शार्प टैंक हो गया भाई? आपने जूते हमारे लिए बना देते ना अगर आप, तो शायद हम भी ऐसे ही बातें करते जैसे ये बहुत कमाल की लड़की। मैं आपको ऑफर इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझे लगता है जो मथुरा से निकल के एक बोल्ड एंड फ्री गर्ल जो अपना खुद का पहचान बना रही है, बिजनेस बना रही है, वो मुझे द कॉज इज यू नो, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। ठीक है, मुझे रियली लगता है कि आप जैसी अभी करोड़ों यंग वुमेन हैं जिनको आपका एग्जाम्पल पहुंचना चाहिए, और आपका जो एम्बिशन है कि मैं वो स्टीरियोटाइप को फिट नहीं करूंगी, मथुरा वाला स्टीरियोटाइप, वो बहुत हटके है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको ऑफर दे रही हूँ, और आप जिस कस्टमर को टारगेट कर रही है वो एग्जैक्टली शुगर कस्टमर भी है, एंड आपको मैं वैल्यूएशन जो दे पाऊंगी वो है 1 करोड़, जो मुझे लगता है काफ़ी जेनरस है क्योंकि रेवेन्यू हमारा 0 है। मैं आपको 20 लाख का इक्विटी एंड 15 लाख डेट दूंगी, और मैं 20% स्टेक लूंगी, और बस करो। चलो बस, आप सोचिए। तो मालविका जी, मैं एक्चुअली अग्री करता हूँ इनके साथ, मुझे लगता है आप कुछ तो बनाओगी, तो मैं ऑफर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ज़्यादा समझती है ये प्रोडक्ट्स और कैटेगरी के बारे में जितना मैं नहीं समझ पाऊँगा, तो इफ़ शी अलाउज मी आई एम हैप्पी टू कम इन विद हर, बट इफ शी डजंट देन आई थिंक यू बेटर ऑफ, दैट्स माय ऑनेस्ट। या आई एम हैप्पी टू डू इट अलोंग विद अनुपम। तो मालविका, पहली बात तो आई थिंक मेरा व्यू इन सबसे बहुत डिफरेंट है, okay. और इसीलिए शायद मैं बाहर भी हूँ। मेरा इंटरेस्ट था कस्टम बिजनेस में, बिकॉज ग्लोबली अगर आप नाइकी को भी देखें, और अगर आप नाइकी के न्यूयॉर्क स्टोर पे जाएं अभी, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने एक पूरा फ्लोर बनाया है जहाँ पे आप अपना लेसेस चूज करते हैं, शू का बेस चूज करते हैं, आप अपना डिजाइन चूज करते हैं, और वो आपको कस्टम करके वो शू देते हैं। मुझे लगता है आपका जो USP है ना कोर, जिसकी वजह से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो था जब तक आपका क्लियर था कि आप वो कस्टम शूज बनाना चाहते हैं, तब तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था, मतलब मैं इनमें से किसी को आने नहीं देता इस डील में, आई वुड हैव डन दिस डील मायसेल्फ, पर आपका ना क्लैरिटी नहीं है, आपको भी किसी भी तरीके से बिजनेस बनाना है, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। मैं अपना डिसीजन बता देता हूँ जी, क्योंकि तो मेरे को ना कहीं भी डीजे से डील में आता हूँ ना, मेरे को लगता है कि मैं हेल्प करूंगा, तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे लिए तो एक टी शर्ट ले, उसके लिए इतने अच्छे जूते लाए। मेरे को ना थोड़ा सा वो हो रही है, क्या बोलते ना, जलन जलन कि आपको विनीता चाहिए और हम नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं आउट हूँ। मेरा भी डिसीजन बन चुका है, मैं आउट हूँ, बट आपको एक चीज बोल दूंगा कि दोनों आपके काम आएंगे, विनीता बिजनेस बना देगी, अनुपम बड़ी गेम खेल रहा है, वो सोच रहा है इसकी शादी होगी, shaadi.com आ जाएगा कहीं पे, तो अनुपम वाली गेम खेल रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह, मैं
इस आगरा में खड़ा होता तो मैं विनीता के साथ जाता। एक सेकंड, प्लीज लेट होल्ड। हाँ, वेरी फनी। आप अनुपम को जाने दो और विनीता को ले लो। मालविका जी, आप हैं और जो हम हैं, हम काम करना जानते हैं जी। कोई कोई लोग क्या होते हैं ना, आपने देखा होगा दुनिया में आपके एक्सपीरियंस में, वो साइड में बैठ के काम खराब करते हैं। तो ये सब बहकाने वाली बातें करते हैं, इनको काम से मतलब नहीं है, इनको काम खराब करने से मतलब। तो ये सब चक्रों में मत पड़ो आप। मैं आपको एक फायदे का डील बताता हूँ, ये उधार उधार डेट छोड़ो, हमारी बात हुई जी। ये जो 35 लाख है ना, अब सारा ही इक्विटी ले लो तो आपको डेट की चिंता ही नहीं है जी, अगर आपको चाहिए तो। एंड वी विल टेक 25%, मतलब 12.5%। तो आपका वैल्यूएशन भी बढ़ गया, मैंने 1 करोड़ वैल्यूएशन दिया था, उससे अभी हमारा रिवाइज होगा। अब आपको 1 करोड़ 40 लाख वैल्यूएशन मिल रही है। आपके पास एक राइट, आप काउंटर ऑफर दे सकते हो। नेगोशिएट मत करना, क्योंकि सच में ये डील लाइक लिटरली है फॉर मालविका फ्रॉम मथुरा। देखो ये इमोशनल पिच है और कुछ नहीं, ये आपको बेकार है, आप डील लीजिए, आपको बुरा लगेगा बाद में। मालविका, आपने पान वाले की दुकान देखी है, वहां पे लोग बैठे रहते, क्या करते क्या आपको पता है क्या क्या करते हैं? अनुपम, ये काम है इनका। विनीता, कैन वी कम डाउन 25 to 20? मतलब आई डेफिनेटली वांट बोथ ऑफ यू, दोनों की एक्सपर्टीज मिलेगी। तंग मत करो यार, 20 इज नॉट बैड। आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो उनसे। 5% से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपको डील लेनी चाहिए, कोशिश करो 20 की, नहीं होता तो 25, लेकिन डील मत छोड़ना। 20 पे आ सकते हैं इफ यू से। मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। 23 एंड दैट्स अ डील। सो स्वीट। 22 इज आल्सो गुड नंबर। 24 पे क्लोज। आपका रिस्पेक्ट रखने के लिए 24% करते, नहीं तो नहीं हिलने वाले। कर दो, लिख दे। ओके डन, वेरी गुड। ऑलराइट, देखो जो आपका 1% बचाया मुझे दे दो ना, मैंने अभी हेल्प करी। और नेक्स्ट टाइम मेरे लिए भी जूते बनाना। हाँ, मेरी तरफ भी देखना। आपने सब विनीता करा ना, आपने मेरी ईगो हर्ट कर दी। आप थोड़े अपने विमेन कंज्यूमर्स बढ़ाओ तो आपको समझेगा विमेन कैसे ऑपरेट करती है, फिर आपको मिलेगी ऐसी डील। वेरी गुड। चलो, पान पट्टी की दुकान तो बंद हुई इनकी। थैंक यू मालविका, आई एम सो हैप्पी। आई ऑलवेज वांटेड के हां विनीता, फिर से विनीता। थैंक यू गाइस, लेट मी गेट अ बिग कंपनी। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। Good deal. Good deal.